स्टूडेंट्स, ये है सेट का लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये देखने से पहले आपको प्रीवियसली जो 5 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो पहले आपको वो 5 वीडियो देखना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों क्या है, फॉर्मूले फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये बोल रहा है जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इन द सेंस हाउ कैन यू यूज सेट इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, कि डे टू डे लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स पे या कुछ क्वेश्चन पे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो है आपका बच्चों सेट का यूज। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बच्चों, बस आपको यही दो फॉर्मूला यूज कर, ये दो ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज करके आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है ना बच्चों, बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप बुक देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप बुक देखो, अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे फर्स्ट आपका फॉर्मूला नंबर वन। ठीक है, देखो फॉर्मूला नंबर वन सेज दैट एन ऑफ ए यूनियन बी, ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या बोल रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि किसी भी एक सेट है ए यूनियन बी, उसका कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑफ ए यूनियन, सॉरी इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी, किसी भी दो सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है। ठीक है, वो एलिमेंट इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो वैल्यू इक्वल क्या है, ए में कितना एलिमेंट है प्लस बी में कितना एलिमेंट है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है। देखो बच्चों, ये प्रूव करने के लिए मैं आपको वेन डायग्राम से भी बोल देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, मान लो ये आपका क्या है सेट ए। ठीक है, सपोज ये आपका सेट बी। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ए यूनियन बी का एलिमेंट, कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है। आप पढ़े थे कि ए यूनियन बी क्या होता था बच्चों, ये वाला पोर्शन आपका ए यूनियन बी होता था ना, याद है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या होता था बच्चों, आपका ए यूनियन बी होता था। ओके, ए यूनियन बी होता था, या और वी कैन से एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि एन ऑफ ए यूनियन, ये जो शेडेड पार्ट या जो डार्क में जो किया हूँ, ठीक है, ये डार्क पार्ट में क्या है, जितना एलिमेंट होगा वो होगा आपका ए यूनियन बी का एलिमेंट। अब देखो बच्चों, ये सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुना, तो ये वैल्यू कैसे आया, अच्छा ये जो जितने भी डार्क पार्ट कैसे हुआ बच्चों, देखो डार्क पार्ट में क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना, ये वैल्यू, ये क्या है बच्चों आपका ए, ठीक है, एंड ये क्या है बच्चों बी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, देखो ये वैल्यू हुआ ए, देन ये भी वैल्यू हुआ बी। और देखो बच्चों, जब आप ये वैल्यू ले रहे हो, देन ये वाला वैल्यू ले रहे हो, ये बीच वाला देखो बच्चों, ये दो बार आप, और आप मतलब इसे दो बार ले चुके हो, चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप ए वैल्यू लिए, ओके, एंड जब आप बी वैल्यू लिए, तो ए में से भी ये वैल्यू आपने ले लिए एंड बी में से भी ये वैल्यू आप ले लिए, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये कितना बार यूज हुआ है, एक ही बार ना, लेकिन आपने दो बार ले लिया, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो डार्क वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट को, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट को मैं इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट को ना बच्चों आप दो बार ले लिए, क्यों, कैसे, ए के टाइम पे भी लिए एंड बी के टाइम पे भी लिए, तो ये दो बार ले लिए, लेकिन ये क्या है आपका एक ही बार यूज हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, इसे एक टाइम डिलीट कर लेना है। ओके, तो ए यूनियन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है इक्वल टू एन ऑफ ए, कि ए में कितना एलिमेंट है, प्लस एन ऑफ बी, कि बी में कितना एलिमेंट है, माइनस एन ऑफ, प्लीज रीड इट एज एन ऑफ, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या होगा बच्चों, एन ऑफ ए की टोटल ए में कितना एलिमेंट था, ए में कितना एलिमेंट था, यही एलिमेंट था, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में क्या था बच्चों, ये पूरा एलिमेंट था, ये पूरा वाला एलिमेंट था, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसे आपको एक बार डिलीट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म है ना दोबारा रिपीट हो रहा है, ए के टाइम पे भी आप ले लिए थे, बी के टाइम पे भी लिए थे, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रूफ, चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये था फॉर्मूला नंबर वन, ये था आपका एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस ये हमें यूज करें। ठीक है, ये रहा नंबर सेकंड, ये क्या दिया बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये वाला भी आप प्रूफ कर सकते हैं बाई यूजिंग वेन डायग्राम एज वेल। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये इसे आप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलो ये सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए
मैं बस इसका एक डायग्राम कर लेता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसे तीन सेट है, ये सपोज सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, सपोज ये आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी। मुझे अभी क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे अभी फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है, मीन्स ये पूरा। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है बच्चों, ये पूरा चीज़ें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन का मुझे अभी कितना एलिमेंट है ये फाइंड करना है, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, तो पहले मुझे ये लेना है, ठीक है ना, पहले मुझे ये पोर्शन लेना है। ये पोर्शन क्या है आपका ए, प्लस ये पोर्शन भी लेना है, ध्यान से सुना, ये पोर्शन भी लेना है। ये पोर्शन क्या है आपका बी। अभी देखो बच्चों, जब आप ये पोर्शन लिए एंड ये वाला पोर्शन लिए, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो ये पार्ट ना आपने दो टाइम ले लिए, चीजों समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ए के टाइम पे भी लिए थे, बी के टाइम पे भी लिए थे, चीजों समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा बच्चों, आपको ये टर्म को डिलीट करना है, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसे आपको डिलीट करना है। अब समझे, अभी मैं क्या करूंगा, इसे भी लूंगा। देखो बच्चों, जब आप सी लोगे, यहाँ सपोज आपने सी लिख लिए, जब यहाँ सी लिखे तो देखो आप ए भी लिए सी भी लिए। देखो बच्चों, ये क्या है आपका ए, आप ए लिए हो एंड क्या लिए हो सी भी लिए हो, ध्यान से सुन रहे हो हा? देखो ये आपका सी, ये आपका ए। अब देखो बच्चों, ये वाला टर्म दिख रहा है ना, ये वाला टर्म आप दो बार ले रहे हो, ए के टाइम पे भी लिए हो एंड सी के टाइम पे भी ले रहे हो। ठीक है, तो ये जो पार्ट, ये क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, इसे फिर से आपको डिलीट करना है, ए इंटरसेक्शन सी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बार, जब आप सी ले रहे हो एंड बी ले रहे हो, ठीक है, ये है आपका बी, ओके, एंड ये है आपका सी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका सी एंड ये आपका बी। अब देखो बच्चों, ये बी एंड सी लेने से ये पोर्शन को आप दोबारा ले रहे हो, ठीक है, टू टाइम्स ले रहे हो, एंड ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको अभी क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी भी डिलीट करना है, चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ यानी। अब एक चीज देखो बच्चों, आपने क्या किया कि इसे एक बार आपने डिलीट किए एंड इसे एक बार आपने डिलीट किए एंड इसे भी आपने एक बार डिलीट किए, ठीक है। लेकिन आप जब एक दो तीन जब आप ये लिए थे, ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये पोर्शन क्या था आपका, ऑलरेडी आपने लिए थे, लेकिन आपने अभी पहले आपने लिए थे, आपने अभी क्या कर लिए, ये तीन केस में, ठीक है, ये केस में ये जो बीच वाला टॉप है, ठीक है, मैं इसे साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये बीच वाला टर्म को, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब ये डिलीट किए तब ऑटोमेटिकली ये भी डिलीट हो गया, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली जब आपने ये डिलीट किए तो अभी आपने ऑटोमेटिकली ये भी आपका डिलीट हो गया, एंड जब आपने ये डिलीट किए तब ये ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो गया था, चीज़ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, आपने क्या किया, गलती से डिलीट कर चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला पोर्शन को, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन को आपको ऐड करना है, और ये जो बीच वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ए बी एंड सी का इंटरसेक्शन, समझ रहे, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका ए में भी है, ठीक है, बी में भी है एंड सी में भी है, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना बच्चों, तो इसे आपने डिलीट कर लेते, तो अभी आपको इसे ऐड करना है, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसे ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये ऐड करना, ये जो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अभी आपको बस यहाँ एन ऑफ लिख लेना है, एन ऑफ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी में, देन ये आपका एन ऑफ हर जगह पे आपको लिख लेना है, ठीक है, और ये होगा आपका एन ऑफ सी, सिमिलर ये भी होगा आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये होगा आपका एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अभी अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ दिख सकते हो, ओके, तो हमें मिल गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, क्या है बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम को, ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ ड्रॉ करके ये लिख लेना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब देखो बच्चों कि अभी हम क्या करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं
ऐसे एक दो तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, देन बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाऊंगे, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द थिंग इज कि आपको पहले क्वेश्चन को बहुत आसान से पढ़ना है, ठीक है, एंड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डाटा दिया है, ओके, वो डाटा आपको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चा इसमें क्या दिया है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, सपोज एक्स एंड वाई किसी भी दो सेट है, सच दैट एक्स यूनियन वाई, ध्यान से सुनना, एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट, कि एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है बच्चों, 50 एलिमेंट है। So, x union y का एलिमेंट यानी कि n ऑफ x union y, ठीक है, n ऑफ x union y क्या दिया है बच्चों, 50, x has 28 एलिमेंट, ओनली x में कितना है 28, यानी कि n ऑफ x क्या दिया है बच्चों, 28 एलिमेंट, एंड y has 32 एलिमेंट, y यानी कि n ऑफ y, वो क्या दिया है बच्चों, 32 एलिमेंट। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है, अभी आपके क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है, जो कि आपको n ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। और एक चीज बोचो, ये जो सेट है ना x y, x इंटरसेक्शन y या x यूनियन y, इसे आपको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, जैसे कि हम पढ़े थे कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो बोचो इसमें जो भी डाटा दिया है, पहले हम डाटा लिख लेते हैं, तो हियर क्या क्या गिवन है बोचो, n ऑफ x यूनियन y, ठीक है, n ऑफ x यूनियन y कितना दिया है 50, मैं यहाँ लिख लिया। और क्या दिया है, x has 28 एलिमेंट, यानी कि n ऑफ x इक्वल क्या दिया है बच्चों, 28, y has 32 एलिमेंट, यानी कि n ऑफ y, ठीक है, n ऑफ y क्या दिया है बच्चों, 32। अभी आपको क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ये भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। हम तो फॉर्मूला ऑलरेडी जाने थे, तो आपका फॉर्मूला क्या था, वी नो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई को क्या होगा बच्चों, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन, एक मिनट पीछे, तो ये होगा आपका माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। सो दिस इज एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अभी बच्चों देखो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, तो अभी आपने क्या करो, आप लोग क्या करोगे, ये जो वैल्यू को ना राइट साइड ले लो एंड इसे सॉरी ये जो वैल्यू को लेफ्ट साइड ले लो एंड इसे राइट साइड ले लो, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो देखो एन ऑफ एक्स क्या दिया है बच्चों, एन ऑफ एक्स दिया है आपका 28, मैं यहाँ लिख लिया 28, ठीक है, देन प्लस एन ऑफ वाई क्या दिया है बच्चों, 32 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या दिया है 50, ठीक है। तो आप देखो बच्चों 28 32 क्या होगा 60, राइट, 28 32 60 60 में से जब 50 जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 10, ओके। सो आपका आंसर मिल गया 10। सो आपको यहाँ लिख लेना है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10, एंड हियर इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। द थिंग इज कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों ये था एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ठीक है, और दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा ताकि आप लोग बहुत आसान समझ पाओगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। और देखेंगे एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर टू क्या दिया है बच्चों, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। देखो बच्चों ये क्या दिया है, किसी भी एक स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल पे कुछ मैथमेटिक्स टीचर एंड फिजिक्स टीचर है, एंड और एक चीज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, और ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान देना है, और का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन, ठीक है, एंड का मतलब क्या होता था, इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या दिया है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मीन्स ऐसे 20 टीचर्स है जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, यानी कि वो दोनों का यूनियन क्या दिया है बच्चों, 20, ठीक है। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, 12, ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 12, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, देखो एंड दिया है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, मीन्स ऐसे 4 लोग हैं
जो कि फिजिक्स भी पढ़ाते एंड मैथमेटिक्स भी पढ़ाते। एंड का मतलब क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, सपोज एम एंड मैथमेटिक्स के लिए सपोज एम ले लिया एंड फिजिक्स के लिए सपोज पी ले लिया, ठीक है। लेट एम एंड पी बी द टू सेट्स, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बस ये लिख रहे हैं, ठीक है। देन इसके हिसाब से क्या क्या गिवन है बच्चों? यू आर गिवन दैट और 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, और का मतलब यानी कि यूनियन। सो इसमें क्या दिया है बच्चों? एन ऑफ एम यूनियन पी, ठीक है। सो वेयर एम रिप्रेजेंट फॉर मैथमेटिक्स, पी रिप्रेजेंट फिजिक्स, ठीक है। सो एन ऑफ ए यूनियन पी क्या दिया है बच्चों? 20, ठीक है। और क्या दिया है? 12 टीच मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, यानी कि एन ऑफ एम क्या दिया है बच्चों? 12। और क्या दिया है? एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ यानी कि इंटरसेक्शन। सो एन ऑफ एन इंटरसेक्शन पी क्या दिया है बच्चों? 4। अभी आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स यानी कि एन ऑफ पी आपको अभी फाइंड करना है बच्चों, एन ऑफ पी। बस वो सेम ही फॉर्मूला के हिसाब से आप यूज करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? वी नो एन ऑफ एम यूनियन पी, ठीक है, एन ऑफ एम यूनियन पी क्या है बच्चों? एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी, ठीक है, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अभी आप क्या फाइंड करना है बच्चों? ये वैल्यू फाइंड करना है, एन ऑफ पी फाइंड करना है, ठीक है। तो एन ऑफ पी के लिए मैं क्या करूंगा, एन ऑफ पी को यहाँ रख लूंगा, सारे वैल्यू को इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एन ऑफ ए यूनियन पी क्या दिया है बच्चों? ये दिया है आपका 20 इक्वल टू एन ऑफ एम दिया है 12 प्लस एन ऑफ पी, ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी क्या दिया है बच्चों? 4, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो बच्चों 12 में से जो 4 जाएगा, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा तो क्या रहेगा बच्चों? 8, ठीक है। देन 8, ये 8 जो राइट साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 8 यानी कि 12, ठीक है, 12 इक्वल टू एन ऑफ पी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो एन ऑफ पी क्या है बच्चों? कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, और वी कैन से कि ऐसे 12 लोग है, ठीक है, ऐसे 12 लोग है जो कि क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चों? फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। चीजें समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन, एग्जांपल 3 का सॉल्यूशन। ये क्या दिया है बच्चों? देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, तो किसी भी ग्रुप है जहाँ क्या है बच्चों, टोटल 70 पीपल है, 37 लाइक कॉफी। सो वो 70 पीपल में से, ध्यान से सुना, वो 70 पीपल में से ऐसे 37 लोग है जो क्या है, कॉफी को लाइक करते हैं और कॉफी ड्रिंक करते हैं। 52 लाइक टी एंड टी, ओके, सो ऐसे 52 लोग हैं जो कि टी लाइक करते हैं और वी कैन से टी ड्रिंक करते हैं। और इसमें क्या दिया है? ईच पर्सन, ध्यान से सुना, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये क्या दिया है? ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसका मतलब इसमें जो टोटल 70 पीपल है ना, वो ध्यान से सुना, इसमें जो आपका टोटल 70 पर्सन है ना, ये 70 पर्सन में ईच पर्सन मीन्स हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स लाइक। इसका मतलब ये जो 70 पीपल है, इसमें हर पर्सन, ठीक है, हर लोग किसी भी एटलीस्ट एक ड्रिंक्स को लाइक करते हैं। समझ लो, कहने का मतलब यह है कि ये जो 70 पीपल है, ये 70 पीपल हर कोई, ये दोनों में से किसी एक भी, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक भी कॉफी या टी को लाइक करते हैं या किसी भी एक ड्रिंक को लाइक करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों का यूनियन, ठीक है, ये दोनों का यूनियन क्या दिया है? 70। क्यों? क्योंकि ये 70 लोग, ठीक है, 70 लोग या तो कॉफी लाइक कर रहे और टी लाइक कर रहे, मींस ऐसे इसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं सारे लोग कॉफी लाइक कर रहे या तो फिर टी लाइक कर रहे, कुछ भी लाइक कर रहे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ लोग नहीं मिलेगा आपको जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे। क्यों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो इसमें क्या गिवन दिया है बच्चों? दोनों का यूनियन दिया है 70 और 37 लाइक कॉफी। तो कॉफी का दिया है 37 दिया है कॉफी एंड 52 लाइक टी, तो टी के लिए दिया है 52। अभी आपको देखना है हाउ मेनी लाइक बोथ, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या कर लिया बच्चों? कॉफी को सपोज सी से रिप्रेजेंट किया एंड टी को सपोज टी से रिप्रेजेंट किया। सो इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों? देखो, इसमें आपका गिवन है एन ऑफ सी यूनियन टी, ठीक है, दोनों का यूनियन,
दोनों का यूनियन क्या गिवन है बच्चों 70, ठीक है। और क्या दिया है 37 लाइट कॉफी, यानी कि एन ऑफ सी दिया है बच्चों 37। और क्या दिया है 52 लाइट टी, यानी कि एन ऑफ टी क्या दिया है 52, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है कि हाउ मेनी लाइक बोथ, यानी कि दोनों के लिए फाइंड करना है। बोथ का यानी क्या इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, बस वो सेम ही फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको लिखना है। सो योर टू वी कैन राइट वी नो, देखो वी नो दैट एन ऑफ सी यूनियन टी, ठीक है। एन ऑफ सी यूनियन टी क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ सी यूनियन टी क्या दिया है बच्चों, ये दिया है आपका 70, ठीक है, इज इक्वल टू एन ऑफ सी दिया है आपका 37 प्लस एन ऑफ टी क्या दिया है बच्चों 52 माइनस, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 37 एंड 52 ये हो जाएगा आपका 89, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 89। अब मैं क्या करूंगा, इसे राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा, ये हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों आपका 89, ठीक है, माइनस ये क्या है आपका 70। जब 89 से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 19, राइट, ठीक है। सो ये 19 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टी को भी लाइक करते हैं और टी भी ड्रिंक करते हैं, कभी भी ड्रिंक करते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये था बच्चों एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ नहीं, देखो हर चीज मतलब हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जो कि आप और भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, वो भी यूज कर सकते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। द थिंग इज कि आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। जो भी डाटा गिवन है तो पहले आपको क्या करना है, डाटा को लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एंड और एक चीज बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट सेट, ठीक है। अभी आप सेट का हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों अगर आपको मेरे वीडियो या मेरे टीचिंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो एंड लाइक करो। एंड अगर किसी का कुछ डाउट्स है, अगर किसी को कुछ पूछना है, तो अगर किसी को कुछ सजेशन देना है कि सर, और क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई डोंट हैव रियली एनी एक्सपीरियंस, सो अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप सजेस्ट भी कर सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव ए गुड डे। I'm not afraid to die.